किसी भी मुसलमान के बड़े गांव में चले जाइए, हमने ये अनुभव किया चलते हुए। मुसलमानों के छोटे गांव तो फिर भी कुछ ठीक है, जो मुसलमानों के 3000 से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं, उन गांवों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। क्यों है ये हमने अध्ययन कराया तो पता चला कि जो 3000 से ज्यादा आबादी वाले मुसलमानों के गांव हैं, उन गांवों को राजनीतिक तौर पर चिन्हित कर लिया गया है। जब कोई भाजपा का जदयू का जीत कराता है तो उसको मालूम है कि यही वो गांव है जहां से 3000, 4000, 5000 वोट हमारे खिलाफ पड़ा है, तो वो एमएलए, वो सांसद जाता ही नहीं है, सुनिश्चित करता है कि आपके गांव में आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए कुछ भी काम न हो। और जब वहां आरजेडी जीत कराती है तो उसको भी मालूम है कि 4-5 हजार मुसलमान का वोट है, ये तो पक्के है, जाएगा कहां, यहां काम कराने का क्या फायदा है, जो पैसा आया है तो बगल का हिंदू के गांव में काम करा।